प्रोफेसर ने असिस्टेंट प्रोफेसर ने जिहड़े उन्हां दी जिहड़ी एज लिमिट सीगी जिहड़ी पहला 37 साल से असी 37 साल तो वधा के 42 साल कर दित्ती है। ये साल जिहड़े 5-7 साल उन्होंने वधाए गए ने ये उही साल ने जदों वह धरने दे रहे थे जो टैंकियां चढ़े हुए थे या डांगा खा रहे थे, मतलब उन्होंने जिंदगी के कीमती साल खराब किए पुरानियां सरकारां ने। सो अज असी उन्होंने एक छूट दे रहे हैं कि 37 साल की बजाय 42 साल तक भी वह कंपीटिशन पार्टिसिपेट करके अगे आ सकते हैं। इस तो अलावा वख वख विभागां दे नियमावली जिहड़ी है जो रूटीन दे विच आउंदी है वह भी अज कैबिनेट दे विच पास कीती गई और पावर ऑफ अटर्नी जिहड़ी है वह ब्लड रिलेशन दे विच होगी, जिहदे विच ब्लड रिलेशन दा मतलब है बच्चे माता पिता दादा दादी स्पाउस घरवाली भैन जे इन्हां दे विच ब्लड रिलेशन च कोई किसी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी होगी तो वह बिल्कुल फ्री होगी, पर जे ब्लड रिलेशन तो बाहर कोई पावर ऑफ अटर्नी दिती जाऊगी उसे 2% फीस लाई जाऊगी, क्योंकि बहुत बारी सुनिया गया है कि गलत इस्तेमाल हो जाते उन्होंने पावर ऑफ अटर्निया के, बाद च पावर ऑफ अटर्नी देने वाला भी पछताउंदा है। और कई बार लोग ये भी करते हैं कि चलो रजिस्ट्री कराने की लोड़ है, पावर ऑफ अटर्नी पर चलते हैं। सो ताकि लोगों को खजल खुआरी ना हो, धोखेबाजी तो लोग बच सकन, ये फैसला होया। इस तो अलावा जिहड़े फैसले वास्ते तुसी बैठे हो कि अज उहदे बारे की कहा जाऊगा, बड़ा सच ते बड़ा निरपक्षता नाल बिना किसी भेदभाव के सच्चे दिलों मैं तुहानू सारी सिचुएशन दस दिंदा। मैं बिना तत्थां तो कोई गल नहीं करदा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी कि सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 के अंडर बनाई गई सी, पहली गल तो यह कि जिहड़ा गुरुद्वारा एक्ट है 1925 उहदे च कितें भी ब्रॉडकास्ट जां लाइव टैलीकास्ट नाम का कोई अक्षर ही नहीं लिखा हुआ। इन्होंने की किया क्योंकि उस कमेटी पर एक परिवार का कब्जा चलिया रहा, तो उस परिवार ने एक टैलीविजन चैनल खोल लिया है इतने है नहीं अज नहीं होने अज नहीं होने उन्होंने चैनल खोल लिया जी। उन्होंने फिर की कहा कि क्यों ना सिख जगत दी भावनावां नूं कैश किया जाए, गुरबाणी नाल भावनावां जुड़िया हुई हैं, पवित्र गुरबाणी है, सर्व सांझी है, सुकून मिलता है गुरबाणी सुन के, घर च गुरबाणी चलती हो बरकत आती है। तो उन्होंने 2012 दे विच 11 साल वास्ते सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी तो जिहड़ी गुरबाणी आती है वो प्रसारण के अधिकार खरीद ले। जे तुहाडे चों 11 साल पहला कोई गया होवे उत्थे कि मैं भी बिडर हाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि कल्ले नूं देते कह लो जी। उस तो बाद उस चैनल नूं लवाउणा ही पैंदा अपने घर च केबल टीवी ते, इत्थे भी पूरी दुनिया च वसदी जिहड़ी सिख संगत है उन्होंने लवाना पैंदा है और वह सब तो महंगा है, उहदे नाल 3-4 चैनल होर जोड़ के एक पैकेज बना के देंदे ने। आलो जी तो
मामला उठा कि फ्री टू एयर क्यों नहीं हैगी। गुरबाणी सरदी सरदी सांझी है, मनुखता दे भले दी है, इट शुड बी फ्री टू एयर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगना चाहिए इहदे। गुरु नानक साहब ने लिखी है भगतां दी बाणियां दे विच, गुरुआं दी जिहड़ी सिक्ख्या है वो तो प्रचार प्रसार करना चाहिए। श्रोमणी कमेटी को प्रचार प्रसार करने का बहुत बड़ा बजट है, होर की करते हैं। जो असी ये कहता तो कहते जी टेंडर करांगे इस बार, क्योंकि जुलाई 2023 एग्रीमेंट खत्म हो रहा है बादलों के चैनल नालों, ताइयों ये सानू लियाना पै रहा कि जे ना किया इस बार कुछ तो फिर 10-11 सालों वास्ते गहने रख देना उन्होंने सारा कुछ। जिमें मसंदा तो गुरुद्वारे छड़ाए सी, ये मॉडर्न मसंदा तो असी पवित्र गुरबाणी छड़ानी है, तो उहदे वास्ते असी वकील बुलाए, बड़े बड़े वकीलों नाल सलाह मशवरे किए। तो मैं थोनों दसना चाहना कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी थोड़ा दे देंगे। जो हरियाणे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन रही सी, पंजाब वाली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गई तो उन्होंने कहा जी ये तो इंटरस्टेट एक्ट है, इंटरस्टेट किवें बना सकदी, असीं बना सकदे हां। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीयर करता इट इज़ नॉट ए इंटरस्टेट एक्ट, इट इज़ ए स्टेट एक्ट। हरियाणा अपनी बना सकता, दिल्ली की अपनी हैगी है पहले ही, पंजाब अपनी बना, स्टेट एक्ट है जी। जे धामी साहब सुनते हो तो स्टेट एक्ट है सर, तुसी वकील हो। मन हैरानी है मैनू, अच्छ सवेर के लगे पे ने केंद्रीय एक्ट है, ना 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 केंद्र फैसला लवे, नाले तो कहें आनंदपुर साहब के मते च सारे फैसले कहते पंजाब लवे, मैनू कहते रहते ने फैसले सारे दिल्ली तो आते हैं, हूँ कहते हैं ये दिल्ली फैसला लवे इतने ना करो। जिदे तो इन्हों फायदा होंगे हो दिल्ली फैसला कर ले, जिदे इन्हों कोई नुकसान होंगे हो भगवंत मान माड़ा हो गया। सो उस एक्ट के मुताबक असी क्लीयर लिखा, मैं पढ़ के सुना दिना तुहानू, दे देंगे। द अपेक्स कोर्ट विच ऑन September 20th हैड अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 डिसमिसिंग द पटीशन फाइल्ड बाई द SGPC हैल्ड दैट गुरुद्वारा एक्ट 1925 बाद ओरिजिनली एन इंटरस्टेट लैजिस्ट्रेशन इंटेक्टेड बाई द स्टेट लैजिस्ट्रेचर एंड सबसीक्वेंटली बिकम एन इंटरस्टेट बॉडी ओनली बाई द वर्च्यू ऑफ द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। सो हुण की कहिंदे आ, therefore the state would have power to legislate both under entry 28 of the concurrent list of entry 32 of the state list in the 7th schedule of the constitution for the reason that 1925 act is not an interstate body corporate in respect of which the parliament incorporated such board the apex court held। पंजाबी करके दस देने इन्हों, क्योंकि कई बार चलो कोई गल नहीं, की क्या है 2014 हरियाणा सिख गुरुद्वारा एक्ट के अगेंस्ट गए थे 2014 20 सितंबर नू SGPC की फाइल सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करती सी कि 1925 का एक्ट जिहड़ा वो इंटरस्टेट नहीं है, कि उहदे च पार्लीमेंट भी नहीं आ सकती, कल दे लगे संसद कर सकती है, संसद कितों कर सकती है संसद। सो इस करके इहदे विच एंट्री 28 ते एंट्री 32 दे अधीन स्टेट जिहड़ा है वो पावर रखता है कि वह कोई भी सोध कर सकता है। मैं सोध भी नहीं कर रहा, पहली गल मैं ध्यान नाल सुन लियो गल,
ना तो मैं कोई शोध कर रहा उस ना ही मैं वो अधिकार प्रसारण दे किसी गौरमेंट के अदारे नूं दवा रहा ना ही मेरा कोई अपनी भूआ का मुंडा है ना ही मेरे किसी रिश्तेदार का चैनल है भी इनू दे दो। मैं तो गुरबाणी के एक निमाणा सिख होने के नाते गुरबाणी के प्रचार प्रसार वास्ते सारा समान खोलन का हकदार हाँ। मैं गुवाहाटी जावा तुसी हैदराबाद जाओ कितने अहमदाबाद जाओ उत्थे होटल च रहो होटल के पी टी सी नहीं चलता यद मतलब तुम गुरबाणी तो वंचित रह गए नाले पी टी सी की प्रॉब्लम है उन्होंने तो फायदा ही है जिहड़ी चीज़ पहले टेंडर पा के या पैसे लेके ले खरीदते राइट्स फ्री मिलने वो पी टी सी भी करे ना असी कि बैन करता भी पी टी सी नहीं दिखा सकता दिखावे पी टी सी भी पर सारे दिखाउण बराबर नाल मैं समझ नहीं आती जे मैं एक शहीदा की यादगार दे विच लगे हुए करोड़ों रुपये का हिसाब मंगदा तो कहते मीडिया से हमला है जी मीडिया से हमला है जी प्रेस से हमला है जी प्रेस की आजादी से हमला है। मैं उस प्रेस कदों वरत्या जी मैं कदों वो अखबार छपनों हटाता अच्छा वो अखबार वाले कोर्ट चले गए कोर्ट ने कहता भी जिदे बुलाएंगे विजिलेंस वाले आ जाओ उन्हें परसों बुलाए सी कल परसों आए नहीं अज रोस प्रदर्शन करते फिरते हैं ये मतलब बीमार तो है नहीं वो इहदा मतलब हजे तक किसी के बुलाए तो गए नहीं यह हंकार टुटूगा। जे मैं ये कहां कि गुरबाणी पूरी दुनिया च फैलनी चाहिए है सरबत का भला मंगने वाली गुरबाणी कहते पंथ से हमला पंथ से हमला ये पी टी सी पंथ हो गया जी प्रकाश टैलीविजन कारपोरेशन पंथ है ये बाकी सारी नहीं। अच्छा सुखबीर बादल किहड़े बिहाफ से विरोध कर रहा है एज ए प्रेजिडेंट ऑफ श्रोमणी अकाली दल जा पी टी सी के मालिक के तौर पर विरोध कर रहा है ये भी क्लीयर करे सुखबीर बादल यूरोप च बैठा कितने बैठा पता नहीं कितने गया है। सो असी की कर रहे हैं असी जिहड़ा हुण लैके आ रहे हैं उहदे च मैं थोड़ी पढ़ के सुना दिना हाँ जी मेरे को है चीफ सैकटरी साहब आप जरा है वंड भी दो तो पहले पढ़ के सुना दो हाँ जी ऑन कर मान लो सुप्रीम कोर्ट वालों फैसला किया गया उन्होंने कहा पैरा बी जरा एडिटोरियल रूल का उन्होंने कहा कि कंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 सैवन शड्यूल एंट्री 44 ऑफ लिस्ट 1 इनैक्टमेंट ऑफ हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट 2014 Whether enactment Haryana Act falls within the legislative competence of Haryana state legislature or does it fall under entry 44 of list 1 of 7th schedule of the constitution? Held, Supreme Court held, 1966 Act, that is the Reorganization Act of Punjab, as well as the 1957 Act, this is for the reorganization of all the states, 1957 so as confer power on central government for smooth transition of new states coming into existence as a consequence of the reorganization. The answer to the Supreme Court was no. Provision in 1966 Act, that is Punjab Reorganization Act, which confers legislative power upon Parliament in respect of subjects over which state has legislative competence in terms of list 2. Therefore, transitional provisions, that is 1996 Act or 1957 Act, do not impinge upon legislative competence of state legislature to enact a law on subjects mentioned in the list 2. Yes. Supreme Court is saying that the state has the full power, competence to enact on the list 2, that is the state list. Ekho dikhayo 72 wala jehda kitab ji tusi. Ide vich assi edda nahi ji sarkar dwara जो लोग पक्षी काम किए जा रहे हैं उन्होंने पहुँचा लें आज कैबिनेट हुई उहदे विच कई महत्वपूर्ण फैसले ले गए जिहदे विच सहायक प्रोफेसर दियां पोस्टां कटियां गई आने वाले दिनों के नोटिफिकेशन जारी होणगे
इस तों इलावा जिहड़े प्रोफेसर ने असिस्टेंट प्रोफेसर ने जिहड़े उन्हां दी जिहड़ी एज लिमिट सीगी जिहड़ी पहला 37 साल से असी 37 साल तो बढ़ा के 42 साल कर दिती है। ये साल जिहड़े 5-7 साल उन्हां दी बधाए गए ने ये उही साल ने जदों वो धरने दे रहे सी जदों टैंकियां ते चढ़े हुए सी या डांगा खा रहे सी, मतलब उन्हां दी जिंदगी दे कीमती साल खराब कीते पुरानियां सरकारां ने। सो अज असी उन्हां नूं एक छूट दे रहे हैं कि 37 साल दी बजाय 42 साल तक भी वो कंपीटीशन च पार्टिसिपेट करके अगे आ सकते हैं। इस तों इलावा वख वख विभागां दे नियमावली जिहड़ी है जो रूटीन दे विच आउंदी है वो भी अज कैबिनेट दे विच पास की गई और पावर ऑफ अटर्नी जिहड़ी है वो ब्लड रिलेशन दे विच होगी, जिहदे विच ब्लड रिलेशन दा मतलब है बच्चे माता पिता दादा दादी स्पाउस घरवाली भैन जे इन्हां दे विच ब्लड रिलेशन च कोई किसी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी होगी तो वह बिल्कुल फ्री होगी, पर जे ब्लड रिलेशन तो बाहर कोई पावर ऑफ अटर्नी दी जाएगी वो 2% फीस लाई जाऊगी, क्योंकि बहुत बारी सुनिया गया है कि